सर वॉइस नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही आवाज। सर। हाँ तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था 1948 में। नहीं सर 1948 में नहीं, 1948 में क्या बना था? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। कितने कंट्रीज के बीच में बना था? 23 कंट्रीज के बीच में। और ये कंट्री में आ गया कि सभी को क्या मिले? इक्वल अपॉर्चुनिटीज, राइट। सो विद टाइम बहुत ज्यादा कंट्री जुड़ी, और 1995 में जो पूरा बना है वो कितना था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे बना था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स थे? 164 मेंबर्स, राइट। और इसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो सभी को फॉलो करना जरूरी है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी कमिटमेंट काफी ज्यादा है इसके तरफ। इंडिया ने जितने भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस और नॉन क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे वो सारे क्या कर दिए थे इन्होंने? हटा दिए। यहाँ तक इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रेलेवेंट नहीं है। इसमें खाली ये याद रखना है कि कब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था और कब उसके 25 को रिप्लेस किया था जीएटी के लिए, ये याद करना जरूरी है। अब क्या क्या मेजर फंक्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, चलो ये समझ। सबसे पहले याद है हमने किया था, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाने के लिए हमें जितने भी रेस्ट्रिक्शन है सभी को हटाने पड़ेंगे, चाहे वो टैरिफ हो या नॉन टैरिफ हो। नॉन टैरिफ मतलब कोटा सिस्टम, राइट। सेकेंड, कोई भी कंट्री आर्बिट्री गेन नहीं कर सकता। मैंने पहले भी बताया हुआ आर्बिट्री गेन क्या होता है, कि आप अनड्यू कस्टम ड्यूटी ज्यादा नहीं लगा सकते एडवांटेज देने के लिए, तो कोई भी कंट्री आर्बिट्री गेन नहीं कर सकता। थर्ड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक और पर्पस क्या है, कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है, सर्विसेज को बढ़ानी है पूरी दुनिया। फोर्थ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये मैंने कहा था कि जिस रिसोर्सेज के लिए मैं रिच हूँ, मेरी कंट्री रिच है, मैं वो पढ़ाऊंगा, वो बनाऊंगा, और जिस रिसोर्सेस में मैं डेफिसिट है, स्कैसिटी है, मैं वो इंपोर्ट करूंगा, राइट। दैट लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। एंड द लास्ट इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो EOPAI से कुछ बनता है? ओके, टॉपर क्या लिखा मैंने? इसका मेमोरी टेक्निक याद रखना, बिकॉज़ ये वन ऑफ दी क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं, लिख दो एक जगह पे। इसका मेमोरी टेक्निक क्या है? टॉपर, जहां टी का मतलब क्या है कि कोई भी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, ओ का मतलब क्या है? अल्टीमेट ए इज आपके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। पी का मतलब क्या है? प्रोडक्शन एंड सर्विसेज को पूरे वर्ल्ड में बढ़ाया जाए। E का मतलब क्या है? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। और R मतलब कोई भी आर्बिट्री रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। इज दिस क्लियर? अरे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस क्या है, तो क्या है उसका मेमोरी टेक्निक? टॉपर, राइट, भूलना मत, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं। शुड इंडिया बी द मेंबर ऑफ WTO? क्या इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना चाहिए कि नहीं? तो आंसर इज ऑब्वियसली यस, कि उसके क्या फायदे बताना। सबसे बड़ा फायदा है कि जितना भी वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड है, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है, क्योंकि वर्ल्ड के 165 कंट्रीज, कितनी कंट्रीज थी? 164 मेंबर्स। इंडिया को हटा दो तो 163 मेंबर्स अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। अगर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं हो तो आपके साथ ट्रेड नहीं होगा, राइट। तो आपका इतना बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड मिलेगा, आपको इतना बड़ा मार्केट मिलेगा जहां आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो फ्रीली, राइट। सो मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स टू दीज डेवलप्ड नेशंस, एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग चीटेड। देखो यहाँ क्या लिखा है, सम स्कॉलर्स आर ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो यूज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया टू बी द मेंबर ऑफ WTO। अब इन्होंने कहा है, कुछ स्कॉलर्स ने कहा है कि WTO का मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं बनने की जरूरत है? इन्होंने ये लिखा है कि जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, मतलब जैसे कि 100% इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, उसमें से मेजोरिटी मतलब मोर देन 50% ट्रेड जो है वो किसके बीच में हो रहा है? डेवलप्ड नेशंस के बीच में हो रहा है। मतलब कोई भी डेवलपिंग नेशन से प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहे, ओके,
Developing countries are being cheated as they are forced to open their market for developed countries and are not allowed to access the market of developed countries. देखो क्या है? सबसे पहले ये बोला कि अगर जितना भी ट्रेड है उसमें से मेजॉरिटी कहां से आ रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज. सेकंड ये बोल रहे हैं, सेकंड देखो ध्यान से बोल क्या लिखा हुआ है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने अपना मार्केट डेवलपिंग कंट्रीज में तो खोल दिया, क्योंकि जितने भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिया. आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, पर वो डेवलपिंग कंट्रीज अपने प्रोडक्ट डेवलप कंट्रीज में नहीं उठा पा रहे बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस. एंड ये रेस्ट्रिक्शंस जो है वो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ ही है, और भी दूसरे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है. और इस रेस्ट्रिक्शंस की वजह से डेवलपिंग कंट्री अपने प्रोडक्ट को डेवलप कंट्रीज में लॉन्च नहीं कर पाते, राइट? तो डेवलप कंट्रीज को तो एक्सेस मिल जाता है डेवलपिंग कंट्रीज को, पर डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप कंट्रीज में एक्सेस नहीं मिलता. जैसे एग्जाम्पल लू मैं, अगर यूएसए और इंडिया की बात करें तो अब इंडिया वही चीज इंडिया वहां एक्सपोर्ट कर रही है जो यूएसए को चाहिए. जो यूएसए को नहीं चाहिए वो इंडिया एक्सपोर्ट करेगी तो भी यूएसए उसको रोक देगी. वही चीज यूएसए चाहे तो इंडिया में जो चाहे एक्सपोर्ट कर सकते. इज इट क्लियर हो गया यहां तक? चलो बताओ, इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर क्यों नहीं बनने चाहिए इंडिया? क्या रीजन है? फर्स्ट क्या है, मेजॉरिटी ट्रेड कहां से आता है? डेवलप्ड कंट्री. डेवलप्ड कंट्रीज, वेरी गुड. और दूसरी बात बताओ, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो हमको किस तरह से चीट कर रहे हैं कि वो हमारे कंट्री में आके डेवलपिंग कंट्रीज में आके ट्रेड कर रहे हैं बिकॉज कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, पर हम डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज में जाके एक्सेस नहीं कर सकते. क्या क्या फंक्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बताओ? मतलब जितने भी मतलब प्रोडक्शन लार्ज करना, ई मतलब एनवायरमेंट सेफ्टी, एंड आर मतलब आर्बिट्री रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा देना. अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड है. व्हाट डू यू मीन बाय बायलैटरल ट्रेड? बायलैटरल मतलब दो कंट्री के बीच में अगर ट्रेड होता है तो उसे हम बायलैटरल ट्रेड बोलते हैं, और दो कंट्री से ज्यादा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टीलेटरल ट्रेड. टैरिफ बैरियर क्या होते हैं बताओ? दीज आर द बैरियर्स जो आप इंपोज करते हो गुड्स विच आर इंपोर्टेड, राइट? पर्पस क्या होता है टैरिफ बैरियर लगाने का? क्या पर्पस होता है? किसको प्रोटेक्ट करना होता है? अरे बताओ, किसको प्रोटेक्ट करना होता है? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. नॉन टैरिफ क्या होता है? अरे कैसे, कितना अमाउंट, क्या बोल रहा है सर? हाँ सर, हाँ क्या पूछ रहा है सर? प्रोटेक्ट कैसे करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को? ये सवाल तो मुझे अभी पूछ रहा है, सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा है? अगर तू हेवी ड्यूटी लगा देगा तो कोई भी चीज हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे. तो इस तरह से प्रोटेक्ट होकर ना डोमेस्टिक इंडस्ट्री से कंपटीशन नहीं आएगा फॉरेन से. आया विवेक समझ? यस सर. एंड व्हाट डू मीन बाय नॉन टैरिफ बैरियर? कोटा बैरियर्स. कोटा, राइट? कोटा सिस्टम. कोटा सिस्टम में क्या था कि अमाउंट फिक्स कर दो कि कितना अमाउंट आप इंपोर्ट करना है और कितना अमाउंट आप एक्सपोर्ट करना है. चलो अब हम जाते हैं अप्रेजल. अप्रेजल का मतलब क्या है? अबाउट एलपीजी पॉलिसी एंड अप्रेजल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अप्रेजल? मतलब क्या एलपीजी पॉलिसी से क्या क्या फायदा हुआ एंड क्या क्या क्रिटिसिजम्स हुए, इसके बारे में हम पढ़ने वाले. सबसे पहले क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा. इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा मतलब क्या होता है मुझे बताओ? जीडीपी बढ़ा.
जहां 1980 मैं 1980 क्यों ले रहा हूं, क्या रीजन है मैं 1980 को लिया? 1980 से 1991 लिखा हुआ है, क्या रीजन था कि उन्होंने 1980 लिया? अरे बताओ, तब इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी 1980 से। मैंने कहा था गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट में शुरू हो गया था, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की रेवेन्यू से ज्यादा होने हो चुका था। इनका एवरेज ग्रोथ कितना था? 5.6% एज कंपेयर टू 2018-19 में इंडिया का ग्रोथ है 7.2% एंड बाई 2017-18 में था 6.7%। सर इसको याद कैसे करना है? बहुत सिंपल है, देखो 5.6 यहां से ले लो 6.7 और यहां से ले लो 7. अब यहां 8 मत लिखना, 2 लिखना, राइट? इतना डेटा तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो ये आई थिंक सो 1980 नहीं है, ये 1990 है। 1990 से 1991 में हमारा कितना ग्रोथ था? 5.6%। यही 2016-17 में 6.7 एंड 2018-19 में 7.2, राइट? ये हुआ ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ। अब इंडिविजुअल जाते हैं। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइंड एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर रिपोर्टेड फ्लक्चुएशन व्हेनएस सर्विस सेक्टर हैज गॉन अप। इन्होंने क्या बोला? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी कम हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर का फ्लक्चुएशन था, कभी ज्यादा था कभी कम था, और ये बहुत ज्यादा ग्रो हुआ। ये क्या साइन देता है? हमेशा बता डेवलपिंग, कैसे कंट्री इज डेवलपिंग, कैसे, हाउ एक्सपोर्ट कर दिया ज्यादा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा कर दिया। ओह बताओ, गधो मैंने हमेशा कहा था कि अगर आपका एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कम हो रहा है और बाकी सेक्टर का बढ़ रहा है, इसका मतलब लोगों की इनकम बढ़ रही है, क्योंकि लोग अपनी इनकम का पहले सबसे ज्यादा कहां खर्चा करेंगे? अपनी इनकम का सबसे ज्यादा खर्चा कहां करेंगे? एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्रीज में जाएंगे। अगर इंडस्ट्रीज में खर्चा करना बढ़ गया है, इसका मतलब लोगों की इनकम बढ़ रही है, तभी इंडस्ट्रियल एंड टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ज्यादा होता है, राइट? तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ जीडीपी जो था वो 5.6% से 6.7 हुआ, 7.2 हुआ। सेकेंड, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कम हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर का फ्लक्चुएशन हुआ और टर्शियरी सेक्टर का काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है? अब तुम्हें ये याद नहीं करना है कि एग्रीकल्चर रिकवर्ड हाई ग्रोथ रेट बट विटनेस्ड अ नेगेटिव ग्रोथ इन सब्सिक्वेंट ईयर, ये याद कुछ नहीं करना, बस खत्म। इज इट क्लियर? इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या लिखना है? जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ मुझे बताओ, एक तो 1991 से 1780 एंड फिर 1890, बताओ पहले कितना था? 5.6 6.7 7.2। फिर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम हुआ, इंडस्ट्रियल का क्या था? फ्लक्चुएटिंग एंड टर्शियरी इंक्रीज, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट है क्लियर। ये हुआ एलपीजी पॉलिसी का पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या हुआ? इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? ऑब्वियस की बातें हैं, मुझे रीजन बताओ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ा? मैंने बताया हुआ है, चीप लेबर। ओके, चीप लेबर की वजह से। कहने से सबसे बड़ा रीजन क्या कर दिया था? डाउन कर दिया था करेंसी का, डीवैल्यूएशन, राइट? ये भी बहुत बड़ा रीजन था। एंड थर्ड, इंडिया वाज अ बिग मार्केट फॉर दिस सेलिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। इंडिया में इनकम लोगों की बढ़ रही थी, इनकम लोगों की बढ़ेगी तो नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे इंडिया में। So the opening up economy has led to increase in FDI. FDI जो इंडिया में आने लगा। अब देखो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है FDI, एक होता है FII। दोनों में क्या फर्क है?
एफडीआई मतलब ये लोग एक्चुअली आपके ऑपरेशन में इन्वेस्ट करते हैं. एग्जाम्पल मारुति सुजुकी, सुजुकी ने मारुति में इन्वेस्ट किया, दोनों ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, इसे कहते हैं एफडीआई. एफआईआई खाली कंपनी के शेयर्स खरीदते बस. सो दोनों में इनफ्लो फॉरेन करेंसी तो होता है पर टेक्नोलॉजी शेयर किसका होता है? सर एक बार एफडीआई वाला बताओ ना एक बार. एफडीआई मतलब मारुति सुजुकी, पता चला मारुति सुजुकी में क्या हुआ, सुजुकी ने मारुति में इन्वेस्ट किया और दोनों ने साथ में ऑपरेशन किया. एफआईआई मतलब वो सिर्फ कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं. तो दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों में इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी हो रही है, राइट? पर प्रॉब्लम क्या होगा, दोनों में प्रॉब्लम क्या है, सॉरी सर दोनों में प्रॉब्लम क्या है, दोनों में से कौन सा है जिसमें टेक्नोलॉजी शेयर होती है? एफडीआई, राइट? क्लियर. तो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई आया और एफआईआई आया. दोनों मिला के कितना इन्वेस्टमेंट है? देखो 100 दिया हुआ, तो 100 तुम याद कर सकते हो. 100 से 73.5 बिलियन, जो पहले सिर्फ 100 मिलियन था, अब कितना है? 73.5 बिलियन. बिलियन इज टू मच, राइट? चलो, ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसका नेक्स्ट इंपैक्ट क्या रहेगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, राइट? जहां हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 6 बिलियन था. 6 बिलियन मतलब इतना ही था कि हम कितने दिन सरवाइव कर सके, 2 वीक्स. याद है आज कितना है? 3, 2, 1. ये कैसे याद करोगे? 6 को भाग में डाल दो, 3 + 2 + 1 कितना होता है? अरे 3 + 2 + 1 कितना होता है? 6, राइट? तो ये याद हो जाएगा. 3 to 1 billion. आज इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर है पूरी दुनिया में. इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर, विच इज अ वेरी बिग थिंग, राइट? एक वक्त जहां हमारे दिवाला पड़ा था, हमें सिर्फ 3 दिन सर्वाइव कर रहा था, हमारे पास इतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, मतलब हम जो चाहे, जो कंट्री से चाहे वो इम्पोर्ट कर सकते हैं. सो आई थिंक ये दोनों लिंक है पॉइंट. Yes, sir. Rise in export. During reform period, India experienced a considerable increase in export. हम क्या क्या export करने लगे? हम सिर्फ और सिर्फ cotton, jute ये export नहीं करते थे. हमने export करना किया, start किया auto parts, engineering goods, auto parts, IT software. ये सब. तो auto parts पता चलता है क्या होता है? आपके जो गाड़ी के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, पार्ट्स, राइट? इंजीनियरिंग गुड्स मतलब मशीन मेड गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल. टेक्सटाइल तो मैंने पहले वहीं लिख दिया, राइट? एक्सपोर्ट बढ़ा. अच्छा, इन्फ्लेशन कैसे रुका होगा, सोच के दिखाओ. इन्फ्लेशन रोकने का दो तरीका है. इन्फ्लेशन मतलब डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो दो तरीका है, या तो डिमांड को कम कर दो या तो सप्लाई को बढ़ा दो. तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ? सप्लाई तो ज्यादा कर दिया, सप्लाई बढ़ा दो. सप्लाई बढ़ा कैसे? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा. प्रोडक्शन क्यों बढ़ा? बिकॉज इन्वेस्टमेंट बढ़ा. इन्वेस्टमेंट दो तरीके से बढ़ा, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आए एंड एक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स भी आए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, राइट? सिंपल सी चीज. तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा, प्लस टैक्स रिफॉर्म्स, राइट? So, annual rate of inflation जो 17% था वो कितना हो गया? 5.48%. ये याद करने की जरूरत है. So, inflation जो था वो considerably reduce हो गया. उसका reduce होने का reason क्या है? कि production बढ़ा. Production बढ़ने से obviously आपका supply बढ़ जाता है और inflation कम हो जाता है. Plus बहुत सारे other reforms है जैसे tax reforms, right? जिससे लोगों से ज्यादा पैसा लगने लगे ताकि वो demand कम करे. And last क्या है फायदा? Increase in the role of private sector. Allowing licensing system and removal of abolition of licensing and removal of entry of private sector in areas reserved public sector have enlarged the operation of the private sector. मतलब private sector का काम बढ़ गया. तो क्या-क्या points हैं? चलो सबसे पहले क्या हुआ, इसको याद करने का simple तरीका. GDP बढ़ा तो उसका दो reason क्या था? ऐसे याद करो, GDP बढ़ा प्लस फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा. फॉरेन एक्सचेंज दो तरीके से बढ़ता है, कैसे बताऊं? बढ़ चुका है,
एक तो एफडीआई की वजह से एफडीआई एंड एफआईआई है एक एक्सपोर्ट हां एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में आ गए सारे और एक एक्सपोर्ट्स राइट ये बढ़ने की वजह से क्या हुआ इन्फ्लेशन कम हो गया इकोनॉमी में और इन्फ्लेशन कम हुआ तो प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करने लगा सी आई कैन गिव यू मेमोरी टेक्निक देना है मेमोरी टेक्निक इसमें तो ज्यादा मेमोरी टेक्निक ये ऐसे याद हो जाएगा जीडीपी ग्रोथ बढ़ा तो उसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने के दो रीजंस बताओ क्या हो सकते हैं एफडीआई बढ़ा और बोलो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा तो सबसे पहले क्या कंट्रोल हो गया इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया और कौन आने लगे फिर ज्यादा प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर्स अच्छा जीडीपी ग्रोथ कितने कहां से कितना हुआ पहले कितना था 5.6 5.6 6.7 7.2 फॉरेन एक्सचेंज 6 बिलियन से कितना हुआ 3 2 1 एफडीआई आया both in terms of FDI, foreign direct investments and FII, exports बढ़ा हमारा, export बढ़ने की वजह से क्या हुआ बहुत सारा, किस किस field में हमने export, cotton, textile, cotton jute, auto parts, engineering goods and auto parts, inflation control हुआ, दो तरीके से inflation control हुआ, एक तो हमारा supply बढ़ा, production बढ़ने की वजह से plus बहुत सारे reforms लाए एंड प्राइवेट सेक्टर का आने का कैसे हुआ क्योंकि लाइसेंस सिस्टम हटा दिया रिजर्वेशन फॉर पब्लिक सेक्टर हटा दिया इज इट क्लियर बहुत इजी है ये तो एडवांटेज चलो बात करते हैं क्रिटिसिज्म भी फेस किया हाँ सर ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ फायदा ही हुआ नुकसान भी हुआ ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या लिखा है सर ये तो समझ की बात है अनएम्प्लॉयमेंट कैसे सर ये कह रहा है कि जिस पेस से कंट्री में जीडीपी ग्रो हो रहा है उस पेस से कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ग्रो नहीं हुआ ये कैसा रेशियो है सर जीडीपी बढ़ा है तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ना चाहिए कौन दे पाएगा इस सवाल का जवाब सिंपल सा रीजन है इस टाइप के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ क्या बोलते हैं इस टाइप के कॉन्सेप्ट को जॉबलेस ग्रोथ मतलब क्या जब आपकी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है पर उस पे से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है तो उसका रीजन क्या है कि उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है कौन सी कैपिटल इंटेंसिव मतलब यू यूजिंग मोर मशीन देन लेबर तो अगर आप मशीन ज्यादा यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट उस पे से नहीं बढ़ेगा और ऑब्वियस की बात है बाहर की कंट्रीज जो है वो कैपिटल इंटेंसिव फॉलो करेंगे ये समझ आया हाँ सर नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर अब देखो ये थोड़ा सा ध्यान देना ये पॉइंट अच्छा है सर एक मिनट वो दूसरा पेज करो ना हाँ एक मिनट ठीक है सर दो मिनट हो गया सर सबसे पहले नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट का मतलब पता है क्या होता है व्हाट डू मीन बाय नेग्लेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आपको चाहिए होते हैं आपके इरिगेशन के लिए जो आपको चाहिए होते हैं पावर्स के लिए जो चाहिए होते हैं रोड्स के लिए जो चाहिए होता है मार्केट के लिए जो चाहिए होता है रिसर्च के लिए इन सब पे पब्लिक सेक्टर जो पहले फुट फुट के पैसा डालता था बंद कर दिया
क्या रीजन है उसका बंद करने का? क्या रीजन है? बिकॉज नाउ दे थॉट कि इवन द एग्रीकल्चर सेक्टर बी कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर, हमारा इन्वॉल्वमेंट इसमें भी कम होना चाहिए, राइट? सेकेंड, रिमूवल ऑफ सब्सिडी, इसी का यहाँ एग्रीकल्चर का ही बता रहा हूं कि इन्होंने सब्सिडी रिमूव कर दी। रिमूवल ऑफ सब्सिडी मतलब क्या? एक सेकेंड ना गाइस, सब्सिडी इन्होंने हटा दी। पहले फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज की तरफ से जो सब्सिडी मिलती थी फर्टिलाइजर्स पे, वो उन्होंने क्यों हटाई? बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ने कंप्लेन करने लगे, ये देखो ये कंट्री वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं मान रही, ये कंट्री आर्बिट्री गेन कर रही है। आर्बिट्री गेन कैसे करा रही है? कि अगर एक फार्मर यूनाइटेड स्टेट्स में है और एक फार्मर इंडिया में है, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 है, इसका भी 100 है, पर सब्सिडी देके इसका 20 रुपए कम हो रहा है, तो देखो इसको कितना गेन हो रहा है, कितना गेन हो रहा है? 20 रुपए। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अगेंस्ट है एंड ड्यू टू विच सब्सिडी हटा दी इंडिया को फोर्सफुली सब्सिडी हटानी पड़ी। और सब्सिडी हटाना पड़ा मतलब फार्मर्स का क्या बढ़ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? छोटे छोटे फार्मर्स को। क्यों? क्योंकि बड़े फार्मर्स तो पहले भी अफोर्ड करते थे, हमने पढ़ा हुआ है सब्सिडीज में, कि ये फायदा किसके लिए था? स्मॉल फार्मर्स के लिए, ताकि इनइक्वालिटी कम हो। थर्ड, अब आपने बाहर का प्रोटेक्शन भी हटा दिया, लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट। देखो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में कंपटीशन नहीं था बाहर की तरफ से, क्यों? क्योंकि उनके इंडिया में आने के लिए रेस्ट्रिक्शंस थे। अब आपने वो रेस्ट्रिक्शंस हटा दी, रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है पता है? इतने प्राइस पे तो बिकेगा, इससे कम में नहीं बिकेगा। मतलब मार्केट में जैसे टोमेटो का रेट चल रहा है सिर्फ 10 रुपए, तो गवर्नमेंट आके बोलती नहीं 10 रुपए नहीं 15 रुपए तो मार्केट का प्राइस चलेगा ही, तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो मत खरीदो। दैट इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो एक गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो भी हटा दिया, राइट? जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट करने के, क्वांटिटेटिव इंपोर्ट ड्यूटी, सब हटा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? इंडियन फार्मर्स को कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा बाहर वालों से, एंड लास्ट क्या है? शिफ्ट टूवर्ड्स कैश क्रॉप्स। शिफ्ट टूवर्ड्स कैश क्रॉप्स मतलब क्या? कि एज अ फार्मर मेरे को पता चल रहा है कि फूड क्रॉप्स में प्राइस बहुत कम है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटा दिया है, और पूरे वर्ल्ड में कैश क्रॉप्स की बहुत डिमांड है, कॉटन की बहुत डिमांड है, तो ये लोग ने क्या करने लगे? शिफ्ट होने लगे फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू व्हाट? कैश क्रॉप्स। इसकी वजह से इसकी प्राइस क्या होने लगी? अल्टीमेटली बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सप्लाई का क्या होने लग गया? देखो जब प्राइस कम थी तो धीरे धीरे फार्मर्स सब फूड क्रॉप से कैश क्रॉप से चलने लगे, तो ये लोग कैश क्रॉप के चक्कर में क्या हुआ? फूड क्रॉप की डिमांड ही खत्म। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो क्या क्या हुआ? देखो सबसे पहले तो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट कम हुआ, फिर सब्सिडी हटा दी क्योंकि प्रेशर था, फिर कंपटीशन बढ़ा दिया बिकॉज कोई भी टैरिफ नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए, प्लस मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं करता, एंड फोर्थ ये लोग एक्सपोर्ट करने लगे। क्या 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 एक्सपोर्ट करने लगे? कैश क्रॉप, जिसकी वजह से प्राइस किसकी बढ़ी? फूड क्रॉप। यहां तक क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखो हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल ग्रोथ एडवांटेज में, हमने ये पढ़ा था कि इनका ग्रोथ कैसा था? फ्लक्चुएटिंग था, फ्लक्चुएटिंग मतलब कभी ज्यादा कभी कम, राइट? तो अब क्या, क्यों फ्लक्चुएटिंग था? फ्लक्चुएटिंग का सबसे बड़ा रीजन था चीपर इंपोर्टेड गुड्स। जो गुड्स बाहर से इंपोर्ट हुआ करते थे इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे,
और इसकी वजह से क्या हुआ कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई. सो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन देयर वाज अ ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज. एज अ रिजल्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री वर एक्सपोर्टेड टू इंपोर्टेड गुड्स एक्सपोज्ड टू सॉरी एंड चीपर इंपोर्ट रिप्लेसेस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स स्टार्ट फेसिंग कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम इंपोर्ट्स. सिंपल सी भाषा में क्या बोलना चाह रहा है, स्पेशली चाइनीज प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ये जो इंपोर्टेड गुड्स है उसकी वजह से क्या हुआ इनके प्रोडक्ट्स चीपर थे. क्यों चीपर थे? कोई टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस नहीं. दूसरा, चीपर होने के साथ साथ दूसरा क्या था कि उनको कंपटीशन फेस करने लगा. तो इन दोनों की वजह से ऑटोमेटिकली क्या होने कम हो गया, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स कम. इज इट क्लियर? चीपर के नीचे आपने क्या लिखा है? क्या चीपर के नीचे क्या है? ये एफआई टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे. सस्ता क्यों था? क्योंकि टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस नहीं. दूसरा, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होता. देखो, इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या पता है? पावर. अगर आपके पास पावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आप इंडस्ट्री नहीं खोल सकते. कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा. तो ऑब्वियस की बात है, इंडिया में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज कम होने लगा. और थर्ड नुकसान क्या हुआ पता है? हमने तो सब खोल दिया, पर ये लोग डेवलप कंट्रीज ने क्या कर दिया पता है? जैसे यूएसए, यूएसए ने क्या कर दिया, कोटा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया. हम जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते थे किधर? यूएसए. मतलब यूएसए वाले आके अपने इंडिया में पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपना मार्केट, पर हम चाहे तो हम अपना टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. किसको? यूनाइटेड स्टेट्स. कोटा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया. अब क्वेश्चन आता है कि सर यूएस ऐसा करता है तो इंडिया ने कंप्लेंट क्यों नहीं किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? बात सिंपल सी है कि ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लेंट कभी टॉप वाला जो चेयरमैन बोलेगा वो तो फॉलो करना पड़ेगा. सिंपल सी चीज है. देन ऑब्वियसली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा डेवलप कंट्रीज को होना था, तभी तो उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया. तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट होता था वो भी कम हो गया. तो तीन चीज, एक चीपर इंपोर्टेड गुड्स, सेकेंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, एंड थर्ड जो टैरिफ बैरियर्स थे डेवलप करने.